हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गार्डियन दोस्त शब्बीर चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लांट्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम जोका प्लांट के बारे में बात करेंगे। बहुत खूबसूरत सहराई पौधा है, बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त करता है, ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा खाद, बहुत अच्छी खाद इसको डालनी नहीं पड़ती, सिंपल पत्तों की खाद और मिट्टी, दरई मिट्टी में ये सर्वाइव करता है। इसकी दोस्तों कटिंग लगाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से ग्रो करता है, शेडी एरिया में भी ये बहुत खुश रहता है, और गर्मियों में आप कोशिश करें इसे शेडियर में रखें और सर्दियों में धूप में, फर्श पे, पक्की जगह पे, ओपन एयर में, जहाँ मर्ज़ी रखें। ग्राउंड में, ज़मीन में दोस्तों ये, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, फैलती हैं, तो तकरीबन ये 12 फुट तक लंबा हो जाता है, और पॉट में मेरे पास तकरीबन ये दोस्तों कोई 8 फुट तक इसके पॉट बन गए हैं। बस आप दो तीन बातों का ख्याल रखें, पानी कम डालें, दो दिन में एक दफ़ा गर्मियों में और सर्दियों में हफ्ते बाद, और खाद इसकी जो है वो हमने दरई मिट्टी और पत्तों की खाद यूज़ करनी है, और पॉट को आपने अगर रखा हुआ है, आपने इसको शेड एयर में रखा है तो कोई टेंशन नहीं, अगर आपने ओपन एयर में रखा है तो फिर आपने जो फर्श होते हैं ना पत्थर के, टाइल्स के, उसको भी इसको नहीं रखना गर्मियों में, क्योंकि गर्मी हीट की वजह से इतने पत्थर गर्म होते हैं, उसकी हीट से इसकी मिट्टी और इसके पत्ते जल जाते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आप जूका प्लांट ले आएँ और नेक्स्ट मेरी वीडियो देखें जिसमें आपको मैं इसकी कटिंग लगा के दिखाऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।